अच्छा सर, पता नहीं इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था मैं तो अभी। अच्छा जी, आवाज आ रही है? ओके सही। ओके ओके, अब मैं बता ये रहा था कि अच्छा, मैं इमरान खान वाला जुमला इस्तेमाल करता हूँ कि आपने इस तरह के डिस्कनेक्शन, आपकी तरफ से हो, मेरी तरफ से हो, कोई प्रॉब्लम हो, घबराना नहीं है आपने, ये तो होता रहेगा, ठीक है, हमें इसका मुकाबला करना है, फेस करना है, एनी हाउ, ठीक है। अच्छा देखो, मैं बात ये कर रहा था कि ये जो स्टेट है, यानी जो हमने लर्निंग मॉडल बनाया है, ये डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। और यहां से मिसाल के तौर पे मैंने जो बता रहा था अभी वो ये कि ये आपके पास टेस्ट डेटा का सैंपल है, यानी टी ई टेस्ट डेटा, और उसका सैंपल है ये, और ये सबके लिए सेम होगा। इसमें भी जाहिर टेस्ट डेटा भी अगर आप देखें कभी तो उसके अंदर भी रोज ही हो रही होती है। अब आप एक साथ सबको टेस्ट नहीं करते, दे तो सब साथ देते हैं उसको, लेकिन मॉडल एक एक करके टेस्ट करता है। मिसाल के तौर पे ये पहला वाला टेस्ट रॉ जो है वो गया इस मॉडल के पास, ठीक, जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन से आपने मॉडल बनाया हुआ था, इसके पास गया, ठीक। यही वाला रॉ जो है फिर इसके पास भी भेजा आपने, जो आपने मिसाल के तौर पर डिसीशन ट्री से आपने इसका मॉडल बनाया था। फिर आपने इसी टेस्ट, पहले वाले टेस्ट डेटा के पहले रॉ को आपने भेज दिया इसके पास, जिसको आपने KNN से सॉल्व किया था, ठीक है, KNN से सॉल्व किया था। फिर आपने इसी टेस्ट डेटा को भेज दिया यहाँ पे, जिसको आप अभी आप रैंडम फॉरेस्ट से सॉल्व करवा दिया उसको, ठीक, समझ में आए। तो यानी टेस्ट डेटा का पहला डिसीजन, पहला डेटा का डिसीजन होने जा रहे हैं। क्या डिसीजन आ रहा है कि इसकी वैल्यू जो है वो यस होगी या नो होगी, यानी ये किस क्लास में बिलोंग करेगा, अगर तो बाइनरी क्लास है, बाइनरी नहीं भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त अगर हम बाइनरी सोच रहे हैं तो इफ दिस दिस डेटा, यानी ये जो टेस्ट डेटा का पहला वाला रॉ है, इसके लिए डिसीजन होने जा रहा है कि ये यस है या नो है। आपने कहा अच्छा, आपने इसको प्रिडिक्ट करने के लिए भेजा, तो यकीनन लॉजिस्टिक रिग्रेशन ने इसको किसी ने किसी क्लास में तो फाइंड किया होगा, मिसाल के तौर पे यस कर दिया अपने डेटा को देखते हुए, डिसीशन ट्री ने भी इसको यस कर दिया मिसाल के तौर पे, ठीक है, लेकिन KNN ने इसको नो कर दिया, ठीक हो गया। इसी तरह से RF ने इसको यस कर दिया, एंड अगले ने इसको नो कर दिया, एंड सो ऑन। अभी सिर्फ पहले डेटा की बात हो रही है, टेस्ट के पहले। अब सबने अपने अपने रिजल्ट्स दे दिए, जब सबने अपने अपने रिजल्ट्स दे दिए तो फाइनल डिसीजन होना है कि इस, अब ये तो सिंगल रिजल्ट था, अगर मैं एक ही मॉडल लगाता, यानी जैसे हम पहले करते रहे, एक ही मॉडल लगाता तो मैं इसको यस कह के छोड़ देता, या डिसीजन ट्री होता तो यस कह के छोड़। अब हमारे पास कई रिजल्ट सामने हैं, अब इनको फ्यूज करना है, जिसको एंसेंबल कहते हैं, यानी अब आप इनको एग्रीगेट करेंगे, एंसेंबल करेंगे, फ्यूज करेंगे रिजल्ट को। फ्यूज करने के कई मेथड है, यहाँ पे जो नॉर्मली मेथड यूज किया जाता है, मेजोरिटी वोटिंग किया जाता है, कि आप वोट कर लेते हैं कि ज्यादातर लोगों ने क्या कहा है। तो नॉर्मली ज्यादातर लोगों ने यहाँ पे, इस वक्त हमारे केस में जो हमें नजर आ रहा है वो यस के 3 हैं, तो आप कहेंगे कि यस जो है वो आप प्रिडिक्ट कर देंगे इसके लिए, टेस्ट के पहले रॉ के लिए। फिर इसी तरह टेस्ट का दूसरा रॉ जाएगा, और फिर वो इन सब के साथ जाके जो है वो मॉडल, जो जो आपने ट्रेन किए हुए मॉडल हैं उनके पास जाके प्रिडिक्ट होगा रिजल्ट, फिर वो वाले के लिए भी इसी तरह सारे रिजल्ट आ जाएंगे, और फिर आप उसके लिए भी जो है वो अगला डिसीजन लेंगे। हो सकता है कि सेकंड के लिए आंसर नो आ जाए। तो अब ये फाइनल रिजल्ट बनता जा रहा है, टेस्ट रिजल्ट का जो फाइनल रिजल्ट है वो इस तरह से बनता चला जाएगा, कि पहला टेस्ट रिजल्ट यस आ गया, दूसरा टेस्ट रिजल्ट नो आ गया। लेकिन क्यों नो आया, इसलिए नो आया कि ज्यादातर नो थे, और इसी तरह तीसरा, चौथा, यानी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, और इस तरह डेटा जो है वो आपके ट्रेनिंग के पास जाएगा। दिस इज कॉल्ड बेसिकली बैगिंग टेक्निक, ये एक स्टैंडर्ड बैगिंग टेक्निक जो अनसम्बल मेथड के अंदर, कैटेगरी के अंदर आती है। हमने यहाँ पे ये जो टेक्स्ट छोड़ के गए थे वो ये कहता है कि अ टेक्निक नोन एज अ बैगिंग इज यूज टू क्रिएट एन अनसम्बल ऑफ ट्री, ठीक है, ट्रीज वेयर, अब ये रैंडम ट्री के हिसाब से, रैंडम फॉरेस्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं, ट्रीज वेयर मल्टीपल ट्रेनिंग सेट आर, मल्टीपल ट्रेनिंग सेट्स आर जनरेटेड विथ रिप्लेसमेंट। बहुत सारे ट्रेनिंग सेट बनाए जाते हैं और वो क्या होते हैं, विथ रिप्लेसमेंट होते हैं। ये बात हमने यहाँ पे देखी कि जितने भी ट्रेनिंग सेट बनाए गए थे वो विथ रिप्लेसमेंट थे, ठीक। और उसके बाद फिर आपने कहा कि इन द बैगिंग टेक्निक अ डेटा सेट
डिवाइडेड इनटू एन सैंपल, वही बात दोबारा रिपीट हो रही है, एन सैंपल यूजिंग द रेंडमाइज सैंपल सैंपलिंग, देन यूजिंग अ सिंगल लर्निंग एल्गोरिथम अ मॉडल इज बिल्ड ऑन ऑल सैंपल, लेटर द रिजल्ट रिजल्टेंट प्रिडिक्शंस आर कंबाइंड यूजिंग द वोटिंग और एवरेजिंग इन पैरेलल। यानी आप वोटिंग लगा दें, एवरेजिंग इसलिए कह रहा है वो कि अगर मिसाल के तौर पे ये क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम नहीं होता, ये क्लासिफिकेशन इशू नहीं होता बल्कि ये रिग्रेशन प्रॉब्लम होता, तो आप यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन लगाए बैठे होते, डिसीशन ट्री भी लीनियर रिग्रेशन लगा सकते, यानी रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, KNN भी रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, RFV के रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, सिर्फ लॉजिस्टिक रिग्रेशन नहीं कर सकता, तो मैं इसको लीनियर रिग्रेशन कह रहा हूँ। लेता हूँ सवाल, मैं सबसे सवाल ले लूंगा, अभी सुन लो खाली। अब अगर ये रिग्रेशन प्रॉब्लम होगा और बैगिंग के अंदर करना होगा, तो हम यहाँ पे यस और नो नहीं देंगे रिजल्ट, अब यहाँ पर यस और नो रिजल्ट नहीं आएगा, बल्कि अगर हम यहाँ पर रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो डेफिनेटली हमारे पास इस वक्त यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी, यानी कोई वैल्यू रिजल्ट के तौर पे आएगा। यानी आप कहेंगे कि अगर ये कोई रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो ये मॉडल जो चीज प्रिडिक्ट करेगी वो एक वैल्यू होगी, इसी तरह ये मॉडल जो प्रिडिक्ट करेगी वो भी एक वैल्यू होगी। तो मैं सपोज करो कि इसको वैल्यू वन कह देता हूँ जो रिजल्ट आया, इसको वैल्यू टू कह देता हूँ जो रिजल्ट आया, इसको वैल्यू थ्री कह देता हूँ जो रिजल्ट आया, ठीक है, एंड सो ऑन। तो अब हमें क्या करना होगा, यकीनन अब हम मेजोरिटी वोटिंग तो नहीं लगा सकेंगे अगर ये रिग्रेशन प्रॉब्लम होगा, मेजोरिटी वोटिंग तो वो लगेगा कि वोट करना है। अब यहाँ पे वोटिंग किस तरह लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो सिंपल वैल्यू है, मिसाल के तौर पे वैल्यू आ गई 1. मैं मिसाल दे रहा हूँ 1.96 आ गया, ठीक है, अगली वैल्यू आ गई 1.73 आ गया, ठीक, अगली वैल्यू आ गई मिसाल के तौर पर 1.22 आ गया, ये तो वैल्यूज हैं, तो हम मेजोरिटी वोटिंग तो लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, फिर वो कहता है कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप इसको एग्रीगेट कर लें, एग्रीगेट करने के लिए आप मीन यूज कर लें तो ज्यादा बेहतर है। तो इसके लिए फिर मीन जो है वो यूज किया जाता है कि सब वैल्यूज को ऐड करके जितने क्लासिफायर यूज किए गए हैं, जितने प्रेडिक्शन यूज की गई है, उससे उसको डिवाइड किए, नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड, नंबर ऑफ प्रेडिक्शन से डिवाइड कर दीजिए जितने भी रिजल्ट। तो मीन फिर आप इसके लिए एग्रीगेट कहते हैं, मीन जो है आप जो है वो यूज करके अपने एग्रीगेशन। तो इसका मतलब है बैगिंग इज नॉट ओनली फॉर द क्लासिफिकेशन, आप इसमें CLR क्लासिफिकेशन भी यूज कर सकते हैं और रिग्रेशन भी यूज कर सकते हैं, REG, ये दोनों काम जो है वो बेसिकली किया जा सकता है। अब मसला ये है कि ये दोनों काम डिपेंडेंट होते हैं आपके लर्निंग एल्गोरिथम के ऊपर, कि आप अगर क्लासिफिकेशन यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये लर्निंग एल्गोरिथम क्लासिफायर होने चाहिए, और रिग्रेशन यूज करना चाहिए डेफिनेटली, ये ट्रेनिंग जो जिससे करवा रहे हैं, ये जो लर्नर है आपका, ये रिग्रेशन को हैंडल करता हो। तो डिसीशन ट्री हो गया और KNN हो गया और इसी तरह रैंडम फॉरेस्ट हो गए, जितने भी हमने पढ़े हैं, और लीनियर रिग्रेशन, ये रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं और सवाय लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर हमें ये काम डिसीशन ट्री के अंदर लेके जाना हो, ठीक है, मैं एक मिनट सवाल देख लो, टेक्स्ट में कोई सवाल आता है वो हम देख लो, फिर मैं इसको रैंडम फॉरेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। अगर इक्वल नंबर ऑफ यस और या इक्वल नंबर ऑफ नो है तो मेजोरिटी वोटिंग। अच्छा, ओमेल कहती है कि इक्वल नंबर ऑफ यस और इक्वल नंबर ऑफ नो है तो मेजोरिटी वोटिंग कैसे करेगा। देखिए, हमने पहले भी ये कहा था कि आप जब भी अपना मॉडल तैयार करें तो KNN में ये बात की थी कि कोशिश क्या करें कि ऑड नंबर ODD ऑड नंबर यूज करें। ठीक है, ऑड नंबर यूज करने का फायदा ये होता है कि आपके पास हमेशा आप किसी एक के तरफ जो है वो जा रहे होते हैं, यकीनन ऑड नंबर होगा तो आप किसी की तरफ डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी। अगर आपके पास क्लासिफायर यानी जो मॉडल है वो जो बना रहे हैं वो इवन होगा तो फिर आपको दुश्वारी तो होगी, और लेकिन उसमें उसका सोल्यूशन भी है हमारे पास। मिसाल के तौर पर इनका क्वेश्चन ये है, जो मैंने KNN में भी आपको समझाया था, इनका क्वेश्चन ये है कि अभी दूसरा सवाल भी लेता हूँ। ओमेल का क्वेश्चन ये है कि अगर इनके रिजल्ट्स जो हमने क्लासिफिकेशन रिग्रेशन में तो कोई इशू ही नहीं है, ऑड लो या इवन लो क्योंकि मीन निकालना है, लेकिन क्लासिफिकेशन में नंबर ऑफ यस और नंबर ऑफ नो बराबर आ जाते हैं, 4 नंबर ऑफ यस आ जाए, 4 नंबर ऑफ नो आ जाए, तो फिर हम किस तरफ जाएंगे, किस तरफ डिसीजन लेंगे, ना ये एक इशू आ जाता है। तो नॉर्मली हम कोशिश करते हैं, नंबर पहला तो हमारा इंस्टेंस ये होता है कि आप जो मॉडल लें उनकी तादाद ऑड नंबर में हो ताकि रिजल्ट किसी एक तरफ आप दे सकें,
और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता है। सोचो जब आपने इस लर्निंग एल्गोरिथम को, और सुनिएगा, जिस लर्निंग एल्गोरिथम को सॉल्व किया होगा और उसके लिए यस का होगा, तो इसने एक वैल्यू क्रिएट करता है, ये एक वैल्यू जनरेट करता है। आपको याद होगा कि हम क्या, हमने ये पढ़ा था कि एक स्पेसिफिक वैल्यू आई होगी, जो हमने एक जमाने में ये पढ़ रहे थे सिग्माइड फंक्शन, कि उसकी वैल्यू बेसिकली यहाँ पर आ गई, तो हम जो भी वैल्यू उसकी यहाँ पर आई उसको हमने वन पे भेज दिया, और अगर वैल्यू यहाँ पे आई तो उसको हमने नो की तरफ जाए भेज दिया। ठीक है, तो वैल्यू तो फिर भी क्रिएट होती है ना, तो फिर हम इनकी वैल्यूज को देखते हैं कि सारे यस की वैल्यू ज्यादा है समीशन करने के बाद, मीन निकालने के बाद, या सारे फॉल्स की वैल्यू ज्यादा है। जिसकी वैल्यू बड़ी छोटी होती है यानी कम होती है, उसकी तरफ उसको हम जो है वो फॉरवर्ड कर देते हैं, अगर आपने इक्वल नंबर ऑफ यस और इक्वल नंबर ऑफ नो हासिल कर लिया है तो। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ऐसा ना करें, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बिलावज हमें एक्स्ट्रा जो है वो करना पड़ जाता है। अच्छा जी, ये बात तो एक होगी। एक सवाल और मेरे पास है, मैं उसको भी देख लूँ फिर उसका आंसर देता हूँ। ये फैजान कहते हैं, सर यहाँ पर अगर कॉमन लेंगे मॉडल तो फिर मेजोरिटी वोटिंग जरूरत होगी। कॉमन का मतलब ये है, फैजान कहना चाह रहे हैं कि अभी तो हमने ये बात की ना कि ये सारे के सारे मॉडल जो है वो डिफरेंट है। फैजान कहना चाह रहे हैं अगर मॉडल सारा एक ही कर लें, यानी मैं इस मॉडल को भी डिसीशन ट्री कह दूं, इसको भी डिसीशन ट्री कह दूं, इसको भी डिसीशन ट्री कह दूं, इसको भी, तो फिर हम मेजोरिटी वोटिंग नहीं लेंगे। जिशान का सवाल ये मैं भी आगे बताता हूँ, इसका आंसर अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा, क्योंकि अभी हम इस रैंडम फॉरेस्ट में यही करने जा रहे हैं। अच्छा जी, रैंडम फॉरेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जरियाब पूछते हैं, जरियाब का सवाल है कि रिग्रेशन के अंदर अगर हम मीन ना निकालें तो एरर कैलकुलेट करके जिसका एरर कम हो उसको यूज कर लें। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि ये प्रिफर्ड मेथड नहीं है कि आप एक मॉडल, क्योंकि जब आपने चार मेथड यूज किए हैं तो फिर आपने उन चारों को यूज करना है। लेकिन ये भी मतलब ये मैं इसको डिनाई नहीं करता, ये सब वो मेथड्स हैं जो हमारे जहन में है और हम कर सकते हैं, बिल्कुल आप ये भी कर सकते हैं। क्या आप इनका सवाल ये है कि अगर हम रिग्रेशन कर रहे हो, इस वाले मॉडल में चले जाओ, अगर रिग्रेशन कर रहे हो, रिग्रेशन वैल्यूज निकाल रहे हो, तो मैं वो जरियाब कह रहे हैं कि हम मीन ना निकालें बल्कि जिसका एरर कम हो उसको सेलेक्ट कर दिया जाए। तो बिल्कुल कर सकते हैं, जिसका एरर कम हो उसका तो यूज कर लें, फिर ये देख लें कि मीन निकालने वाले मेथड और इस मेथड में क्या फर्क आएगा। वो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम फैजान के आंसर का क्वेश्चन का आंसर जो है वो अगली स्लाइड में मिल जाएगा कि अगर मॉडल सेम हो तो। कहता है अब हम अगर बैगिंग की टेक्निक को रैंडम फॉरेस्ट में इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो क्या होगा, कि अगर रैंडम फॉरेस्ट यूज कर रहे हैं तो बैगिंग करना चाहते हैं तो क्या होगा। देखिए लिखा हुआ है, रैंडम फॉरेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंसेंबल लर्निंग इन विच वी कंबाइन मल्टीपल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टू ऑब्टेन बेटर प्रिडिक्टिव परफॉर्मेंस। Why the name is random? Two key concepts that give the name of the random are random sampling of the training data set when the building the tree. यानी आप random data select करते हैं main data से, and random subset of the feature considered when splitting the node. और feature भी random होते हैं, यानी यहाँ पे एक interesting बात भी आपको शायद ये बात click नहीं की होगी, जो यहाँ उन्होंने दो बातें कर दी, एक तो समझ में आ गया होगा आपने इसको carry नहीं किया क्योंकि ये बात हो चुकी है कि आप मेन ट्रेनिंग डेटा में से सबसेट बना के छोटे छोटे से सबसेट बना लेते हैं। लेकिन इसने एक वर्ड यहाँ और यूज किया है कि फीचर आल्सो बी स्प्लिटिंग। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला है, समझने की कोशिश करना, मैं यहीं पे समझाता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ उसको। यानी मिसाल के तौर पर आपके पास जो है वो ये एक ट्रेनिंग डेटा है, ये मैं रैंडम फॉरेस्ट के लिए एक्सक्लूसिव बात कर रहा हूँ जो उसने सोचा है। ठीक है, और ये आपके पास एट्रीब्यूट नंबर वन है। ठीक है, ये आपके पास एट्रीब्यूट नंबर टू है, और ये आपके पास एट्रीब्यूट नंबर थ्री है। ठीक है, सॉरी फॉर राइटिंग, मैं बार बार कहता हूँ। और ये आपके पास एट्रीब्यूट नंबर एन है, ये कोई एन एट्रीब्यूट्स हैं इसके अंदर, एक डेटा जो दिया हुआ है जिसको आप टी आर डेटा कह रहे हैं, ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, यकीनन इसके अंदर पहला डेटा होगा जो यही एट्रीब्यूट्स रखता होगा, दूसरा डेटा होगा, थर्ड डेटा होगा, फोर्थ डेटा होगा, और इस तरह करते करते आपके पास कोई
n डेटा एग्जिस्ट करते होंगे, ठीक है, n डेटा आपके पास एग्जिस्ट, अगर मिसाल के तौर पर ये डेटा जो है आपके पास मौजूद है, अगर मैं इसको कह दूं कि समझाने के लिए कि m एट्रीब्यूट्स हैं और n डेटा है, मैं कह सकता हूं ना कि इस वक्त ये इसकी रोज जो है वो n है, तो n डेटा कितने एट्रीब्यूट के साथ है, m एट्रीब्यूट के साथ है, ठीक है, बात समझ में आ गया कि n डेटा है, n फॉर नोज और m फॉर मॉम, m एट्रीब्यूट के साथ है। अब हम जब रैंडम फॉरेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो इस वक्त हमने बैगिंग में क्या पढ़ा था कि आप यहां से रोज वाइज रैंडमली सेलेक्ट कर लें तो आपके पास TSD1 आ जाएगा, TSD1 यानी ट्रेनिंग सिलेक्शन, ठीक है, और TSD कहा था ना, ऐसा ना कोई और बात की हो, RSD1 आ जाएगा, ठीक है, RSD1, ठीक, इसी तरह से। अब वो कहता है कि और फिर वो यूज रीयूज भी हो सकता है, सपोज करो कि सेकंड यहां से ले लिया, थर्ड यहां से ले लिया, फोर्थ इस तरह ले लिया, लेकिन वो रैंडम फॉरेस्ट में कहता है कि आप ट्रेनिंग डेटा के अंदर रॉ वाइज सिलेक्शन तो करेंगे सब डेटा में, आप कॉलम वाइज भी सब सबसेट बनाएंगे, यानी आपका अब जो पहला सबसेट होगा इसमें से जो पहला सबसेट आएगा, और सुनना, वो रॉ वाइज भी सिलेक्टेड होगा, कम होगा इसका, और कॉलम वाइज भी आप इसमें जो है वो इसको कम कर देंगे, यानी मिसाल के तौर पे ए एन से ए एम तक है तो आप इसमें यहाँ पर कोई डिफरेंट हो सकता है कि आप यहाँ पे कोई 10 कॉलम से 10 कॉलम्स यानी 10 एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लें, 10 एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लें, सारे एट्रीब्यूट लेके ना चलें, सिर्फ 10 एट्रीब्यूट ले लें, और इसमें जो रॉज हैं वो भी आपके पास जो है वो रॉज जो है वो भी आपके पास लेस देन एम एन हो, और ये जो एट्रीब्यूट हैं ये भी लेस देन जो है वो एम होगा जो एक्चुअल एट्रीब्यूट है, और उसके बाद फिर आप एक नया ट्रेनिंग डेटा सेट बना लेंगे। तो ये जो फीचर्स का वर्ड यहाँ यूज हो रहा है, फीचर्स, ये बेसिकली एट्रीब्यूट्स को कह रहे हैं, जिसको हम हमारे अपनी लैंग्वेज में हम एट्रीब्यूट कहते थे और फीचर भी कहते थे, ये एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तो अब आप रैंडम फॉरेस्ट में जब अपने सैंपल बनाओगे, अपना सबसेट बनाओगे, तो इसमें दो कंसिडरेशन होंगी, एक कंसिडरेशन ये होगी कि आप रॉ वाइज भी डेटा का सबसेट लेंगे और कॉलम वाइज भी सबसेट लेंगे, और दोनों रिप्लेसमेंट वाले होंगे, यानी अगर ये सैंपल डेटा 1 है, ठीक है, और आप कोई सैंपल डेटा 2 बनाने जा रहे हैं, D2 बनाने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि जो रोज आप यहाँ सेलेक्ट करें उसमें से कुछ रोज पहले से सेलेक्टेड हो, यानी अगर मैं इस तरह मार्क कर दूं कि जो रोज आपने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, हो सकता है वो पहले से यहाँ भी सेलेक्ट हुई हो कुछ, और कुछ नए कॉलम्स आप यहाँ ले लेंगे, यानी नए कॉलम का नया सबसेट ले लेंगे, तो जो एट्रीब्यूट आपने यहाँ पे लिए हैं हो सकता है कि उसमें से कुछ एट्रीब्यूट यहाँ पे इस्तेमाल हो गए हों, ठीक है, लेकिन ये एट्रीब्यूट इन एट्रीब्यूट का सबसेट, यानी मिसाल के तौर पे 200 एट्रीब्यूट है यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे 50 एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पर भी 50 एट्रीब्यूट, लेकिन यहाँ के जो 50 एट्रीब्यूट है डेफिनेटली सारे के सारे तो ये नहीं होंगे, लेकिन कुछ इसमें कॉमन भी होंगे कुछ, यानी अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह का सेट जो है वो आपके पास बन रहा होगा इसके अंदर, कि कुछ सेपरेट होंगे D1, ठीक है, और D2। तो D1 में जो चीज आपने इस्तेमाल की है वो तो है, और D2 में वो तो अपने अपनी कुछ और कुछ जो है वो कॉमन पार्ट भी आएगा यहाँ पे, जैसे कॉमन पार्ट आ रहा है। तो अब इसने यहाँ पे क्लियरली वर्ड लिख लिया है कि अ रैंडम सैंपलिंग ऑफ ट्रेनिंग डेटा, एक बात, ट्रेनिंग डेटा की रैंडम सैंपलिंग करेंगे, रैंडम सबसेट ऑफ फीचर कंसिडरेशन, यानी उनके एट्रीब्यूट को भी हम सबसेट के अंदर कंसिडर करेंगे, व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर द रैंडम फॉरेस्ट वी हैव टू कंसिडर द सैंपलिंग इन द रॉ वाइज एंड सबसेट फॉर द फीचर वाइज एज वेल। सो ये कौन करता है, ये आप भी कर सकते हैं, इसका कोई रूल है, कोई रूल नहीं है, आप जिस तरह सैंपल करना चाहें कर लें, तो यही बेसिस पे रैंडम फॉरेस्ट भी सैंपलिंग इसकी कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, सवाल मैं देख लूँ, 3 सवाल आए हुए, पहला है कि RSD, ठीक है, हो गया RSD, रीयूज करें हैं सर, कॉलम का कॉन्सेप्ट, मतलब हम एट्रीब्यूट्स को एट्रीब्यूट भी रीयूज होंगे, बिल्कुल ऐसे कह रहा हूँ, मतलब जरूरी नहीं है कि हो, मैं ये नहीं कह रहा, जैसे मैंने यहाँ पर D1 में जो एट्रीब्यूट्स लिए हैं मैंने उनको यहाँ पे ले तो लिए, अब मुझे नहीं याद कि मैंने कौन से लिए थे, जब D2 बनाने गया हूँ तो
तो मैंने कोई नए एट्रीब्यूट सिलेक्ट किए, ये जो एट्रीब्यूट डी टू के लिए सिलेक्ट हुए हो सकता है कि वो डिस्टिंक्ट हो इसके मुकाबले में, और हो सकता है कि वो उनमें से कुछ शामिल हो जो इसमें लिए गए, यानी दोनों अपॉर्चुनिटी है। मतलब आप इसको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ना समझे कि हमेशा ही ऐसा होता है, हो सकता है कि समटाइम ऐसा सिलेक्शन भी हो जाए, ये तो क्योंकि रेंडम है ना, रेंडम में तो आपको पता ही नहीं है क्या होने जा रहा है, कैसा होगा, आप कोई देर चेक भी नहीं कर रहे कि ये इस वक्त क्या सिचुएशन है, ये भी ये पॉसिबिलिटी भी है, और ये पॉसिबिलिटी भी है, ये पॉसिबिलिटी भी है, क्योंकि वी आर सिलेक्टिंग द रेंडमली, वेन एवर यू विल सिलेक्ट सम एट्रीब्यूट्स फॉर डी वन, माइट बी सम ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड इन डी टू, हो सकता है कि कुछ डी टू में, और माइट नॉट बी सिलेक्टेड, हो सकता है कुछ ना सिलेक्ट ना भी हो, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। बाजू का ऐसा होता है स्टूडेंट परसेप्शन बना रहता है कि रिव्यूज का मतलब है कि इस्तेमाल करना ही है, ये एसेंशियल नहीं है। रैंडम वर्ड रैंडम सब बातों को हमें ओवरकम कर देता है ना, रैंडम का मतलब है कि शायद हो सकता है रियूज हो गया, हो सकता है रियूज ना हुआ, लेकिन इस बात को समझना इंपॉर्टेंट है कि इसमें एट्रीब्यूट भी इस्तेमाल होंगे रियूज होने के लिए, ठीक है। तो अगर हम आगे बढ़े तो वो कहता है कि रैंडम फॉरेस्ट के लिए जो हमारे पास ट्रीज आती हैं, इन्होंने यहाँ पे क्या है कि ये देखो इस तरह की, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, इस तरह की ट्रीज बनेंगी रैंडम फॉरेस्ट कंबाइंड, यानी पहली ट्री बनाई आपने, दूसरी ट्री बनाई, तीसरी ट्री बनाई, अब ये सारे डिसीजन ट्री हैं, दीज आर द डिसीजन, अब हम कोई और क्लासिफायर यूज नहीं करेंगे, दीज आर द डिसीजन ट्री, ठीक है, क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट बेसिकली डिसीजन ट्री क्लासिफायर से को यूज करके बनाया जाता है। तो दीज आर, ये पहला डिसीजन ट्री आ गया आपके पास, ये पहला डिसीजन ट्री किसकी वजह से आया, आर एस डी को इस्तेमाल करके, रॉ वाइज। अब आप कहेंगे आर एस डी खाली क्यों कह रहे हैं, तो हम अब आर एस डी नहीं कहेंगे, फीचर सिलेक्टेड भी होगा ये एफ एस डी, आर एस डी एंड एफ एस डी, क्योंकि अब हम सिर्फ रॉ को नहीं सिलेक्ट कर रहे बल्कि फीचर भी सिलेक्ट कर रहे हैं। इस तरह से अब आपके पास यहाँ पे दूसरा आ गया आर एस डी, ठीक है, और उसके बाद फिर ये आ गया एफ एस डी, एफ एस डी, ठीक हो गया, और इस बेसिस पे आके ये मिल गया, तो इसी तरह तीसरा जो होता और ये आपको मिलता रहेगा, सारे कॉलम सबसेट नहीं कहलाएगा ना, फिर इसमें हमें ले तो सकते हैं, लेकिन बेहतर, मैं इस बारे में भी श्योर नहीं हूँ कि सारे कॉलम ले लेंगे तो फिर तो वो वंस टाइम यूज होगा, तो नॉर्मली हम यहाँ पे सबसेट का वर्ड यूज करते हैं, सबसेट मतलब आप उसमें प्रॉपर सबसेट, डिस्क्रीट मैथ के डेफिनेशन के हिसाब से, तो प्रॉपर का मतलब है कि आप डेटा थोड़ा कम लें एक्चुअल से, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट में आप कह सकते हैं कि आप सारा ले लें, लेकिन प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है कि आप थोड़ा लें उसमें से पूरा ना निकालें, लेकिन ये जरूरी नहीं है, फिर मैं बता देता हूँ, ये जरूरी नहीं है कि आप जब यहाँ से पिक करेंगे इसके लिए तो जितने फीचर यहाँ पे लिए हैं, जरूरी नहीं कि उतने ही फीचर इसके लिए लें, फीचर चेंज हो सकते हैं, फीचर बराबर भी हो सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, सॉरी। तो इस बेसिस पे अगर हम डिसीजन ट्री के लिए डायग्राम देखें, इज नॉट बेसिकली टू मच चेंज, बहुत ज्यादा चेंज तो नजर नहीं आएगा हमें डिसीजन रैंडम फॉरेस्ट के लिए जो डायग्राम है, बस एक एक दो चीजें ऐड हो जाएंगी इसमें जो हमें बतानी है यहाँ पे, बाकी ये तो क्योंकि बैगिंग टेक्निक है तो डायग्राम में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस तो नजर नहीं आ रही हमें, जो पहले वाली डायग्राम थी ये वाली डायग्राम और अब जो हमने रैंडम फॉरेस्ट की बनाई है इज ऑलमोस्ट सेम, लेकिन बस कुछ वर्डिंग में चेंज आ गया, वर्डिंग में क्या चेंज है वो यहाँ पे देख रहे हैं हम, कि आप यहाँ पर ट्रेनिंग डेटा आपको अवेलेबल होगा, आप उस ट्रेनिंग डेटा के बेसिस के ऊपर अपने सैम्पल